अस्सलाम वालेकुम यू ऑल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो पिछली स्टोरीज देख के उम्मीद है कि आप लोग डरे नहीं होंगे। मैं तो सिर्फ एक अपडेट कर रही थी, मासूमाना सी अपडेट्स थी। तो बहरहाल, लेकिन सीरियस बातें हैं डेफिनेटली, तो प्रे ज़रूर कीजिएगा। और डॉक्टर को भी अशर को दिखा दिया है, तो कल ही हमने जब डॉक्टर के यहाँ गए थे तो टेस्ट वगैरह भी लिख के दिए हैं, तो इंशाल्लाह ब्लड टेस्ट भी बहुत जल्द हो जाएंगे। कोविड टेस्ट कर लिया है, कोविड टेस्ट का रिजल्ट 2 दिन में आता है। वैसे होम टेस्ट जो कर रहे हैं वो नेगेटिव है, बट सुना है कि बहुत सारे लोगों का कोविड टेस्ट नेगेटिव ही आता है, कभी घर पे करते हैं होम किट से तो नेगेटिव एक्यूरेट नहीं होता। तो देखते हैं कि लैब क्या कहती है। दूसरी बात ये है कि आप लोग मेरी शक्ल से जो है वो शायद अंदाजा लगा सकते होंगे कि नींद पूरी नहीं हो रही है रात की, तो इसकी वजह से फिर दिन में जो है वो बहुत सारा काम पाइलअप हुआ हुआ होता है। और इतना सारा कंटेंट क्रिएशन का सेल्फ काम पाइलअप है, मैं अभी आपको बताती हूँ वन बाय वन आप सुनेंगे, तो काफ़ी कुछ है। तो अभी मैं काफ़ी कुछ सफाई वफाई करके घर की बर्तन वर्तन धो के सब निमटी हूँ। बर्तनों का काम सच में इतना लंबा हो गया क्योंकि डिश वॉशर एक नेमत है, मैं कई दफ़ा बोल चुकी हूँ व्लॉग्स में, लेकिन डिश वॉशर ख़राब है। सिंक जो है वो नीचे गिर गया था, और किसी ने मुझे ना मैसेज करके बोला कि आप सदका दे, तो थैंक यू सो मच जिसने भी रिमाइंड करवाया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं लिटरली भूल गई थी कि सदका देना ज़रूरी है, सही कहने। तो अब मैं इंशाल्लाह ताला सदका दे देती हूँ। अशर को भी बोलती हूँ कि वो अपना भी नाम का कर लें और बाकी बच्चों के नाम का, घर का सबका जो है वो हिफाजत के लिए सदका कर लेते हैं इंशाल्लाह। और अभी ना मैं अपनी फेवरेट वाली जो चेयर है ना, आर्म चेयर, इस पर बैठी हुई, उसके बारे में काफ़ी लोग पूछते रहते हैं। तो ये जो है वो हम लोगों ने ली थी यूज्ड, एक ब्लॉग में बताया था, तो बहुत अच्छी चेयर थी। एनीवे बात ये है कि गुड न्यूज़, आज जो है वो मौसम इतना अमेजिंग है कि हमने खिड़की शिड़की सब खोली हुई है, तो फ्रेश एयर घर में आ रही है, ये देखें। और अब मैं सोचूंगी बाय द वे कि मैं अभी स्टोरीज कैसे बना रही हूँ, मुझे कैसे टाइम मिल गया, तो भाई इस वक्त अशर सो रहे हैं तो इसीलिए मुझे टाइम मिल गया, नहीं तो जब अशर जाग रहे होते हैं तो उसमें फिर मैं भी कोशिश होती कि मैं उनको लुक आफ्टर करूँ। तो ये वीक ना जनरली ही काफ़ी ज़्यादा स्लो रहा, और मैं भी काफ़ी डर रही इस बात को सोच के कि मेरे अम्मी के मामू का जो इंतकाल हुआ था, मैंने स्टोरी में शेयर किया था, तो बिल्कुल मेरे नाना की ही जगह पे थे और मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ इस टाइम पे। तो इसलिए जो है वो मैं इस वीक वैसे ही डल थी, ऊपर से ये बुखार ये सब चीज़ें पाइलअप होने लगी। और अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ तो इतना कुछ इस वक्त जो है वो मुझे शेयर करना है। हम लोग गए थे एक जगह एल्बो फॉल्स, वहाँ की इतनी अमेजिंग ड्रोन फुटेज रखी हुई है, वो मुझे शेयर करनी है यूट्यूब पर। साथ ही में उसकी पूरी मतलब ट्रैवल फुटेज, बहुत अमेजिंग, बहुत खूबसूरत जगह थी। तो वो एक पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड की थी, वो भी मैंने स्टोरी में शेयर की थी कि वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है, तो वो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में थी कैनेडा में। तो अशर ने बहुत अच्छी पॉडकास्ट अपने दोस्त की, तो वो भी शेयर करनी बाकी है। वो मैं जब भी लेके बैठी हूँ ना, मुझे ना कोई तो नींद आ जाती है, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है इन सब चीज़ों को लेके जो सिचुएशन चल रही है। और ऊपर से और एक पेड प्रमोशन भी आई हुई है इंस्टाग्राम पे ही, जिसमें मैंने एक रेस्टोरेंट का बताना है, तो वो भी ड्यू है, उसका भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मतलब रेस्टोरेंट जाके रिकॉर्ड तो कर दी थी, मगर उससे पहले का जो मुझे कंटेंट बनाना है ना, वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग जब भी करने खड़ी होती हूँ तो मेरा ट्राईपॉड जो है वो रखा हुआ है, और ये नया वाला ट्राईपॉड हमने लिया था खासतौर पर अभी ऐसे की बीमारी होने से पहले पहले ही, कि चलो इस पर रिकॉर्ड कर लिया करूँगी, क्योंकि जो मेरा पुराना ट्राईपॉड था वो टूट गया। सो एनीवे, इसको मैं अभी तक यूज़ करने की नौबत नहीं आई है क्योंकि उसके बाद से ऐसे बीमार हो गए। जब भी मैं जो है मोबाइल लगा लेती हूँ और स्टार्ट करती हूँ, कोशिश करती हूँ या कुछ एटलीस्ट तैयार होती हूँ, कुछ तो फिर नहीं हुआ जाता। मतलब माइंड ही नहीं बन रहा है यार वीडियो रिकॉर्ड करने का, इतना बुरा सीन हुआ है पिछले 3-4 दिन से, ऐसे ही चल रहा है। तो इसलिए आई थिंक के जो आपको नई रील जिस वक्त मिल रही होंगी, वो सिर्फ मैंने ड्राफ्ट के तौर पे पहले बनाई हुई थी, पहले से रिकॉर्ड की हुई थी, बट न्यू रिकॉर्डिंग्स नहीं हो पा रही हैं, तो डिले आएगा 100%। तो आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड, और आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी मे बी।